आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, मैं हूं रविश और आज बात विराट कोहली की कर रहे हैं, जिनका आज जन्मदिन है। विराट कोहली अपना 31वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे विराट कोहली हिंदुस्तान में नहीं है, वो भूटान में हैं और अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ वहां पर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि विराट कोहली का सफर कैसे रहा, कैसे दिल्ली की गलियों में क्रिकेट खेलते हुए विराट कोहली पहुंचे क्रिकेट के टॉप पर, और क्या हैं उनके आगे के मिशन, और किन किन लोगों ने उन्हें बधाई संदेश भेजे। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि विराट कोहली ने अपना एक लेटर भी पोस्ट किया है, क्या कुछ खास है इस लेटर में, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। टीम इंडिया के कप्तान का विराट बर्थडे, कोहली की जिंदगी का खास दिन, विराट मना रहे हैं 31वां जन्मदिन, अनुष्का संग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं कोहली। आजकल कोहली ने क्रिकेट से ब्रेक ले रखा है और इसी ब्रेक के दौरान कोहली अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने बर्थडे के मौके पर कोहली ने अनुष्का के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें विराट रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर को पोस्ट करते हुए विराट ने लिखा है, ये किसी सौभाग्य से कम नहीं है जो मैं अपनी हमसफर के साथ इस पवित्र जगह पर हूँ। शुभकामनाएं भेजने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। दरअसल कोहली इन दिनों भूटान में है और वहां वो अपनी वाइफ अनुष्का के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बर्थडे के मौके पर विराट ने अपने फैंस को एक खास तोहफा भी दिया है। विराट कोहली ने अपना एक पुराना लेटर फैंस के साथ शेयर किया है, जो उन्होंने 16 साल पहले खुद लिखा था। चैंपियन विराट ने महज 15 साल की उम्र में यह भांप लिया था कि वो एक दिन बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे। ये बात उनके लेटर से भी जाहिर होती है। विराट ने अपने इस लेटर में लिखा है, हाय चीकू, सबसे पहले तुमको जन्मदिन की बधाई। मैं जानता हूं कि मेरे भविष्य को लेकर आपके मन में मेरे लिए बहुत सारे सवाल होंगे, मुझे माफ करना, लेकिन मैं बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आगे कौन से प्यारे सरप्राइज मिलने वाले हैं। हर एक चैलेंज रोमांचक होता है और हर निशाना सीखने का मौका देता है। आपको आज इस बात का एहसास नहीं होगा, लेकिन यह सफर से ज्यादा मंजिल पर जाने के बारे में है, और यह सफर है सुपर। कोहली ने अपने इस लेटर में अपने पिता को भी याद किया है और ये बताया है कि कैसे उनके पिता उन्हें जूते गिफ्ट नहीं कर पाए थे। विराट लेटर में खुद को मोटिवेट करते हुए नजर आ रहे हैं। कोहली ने लिखा है, मैं जानता हूं कि आज तुम उन जूतों के बारे में सोच रहे हो जो पापा ने तुम्हें गिफ्ट नहीं किए। ये जूते कोई मायने नहीं रखते उस हक के सामने जो तुम्हें सुबह मिला है, और वो मजाक जो उन्होंने तुम्हारी हाइट को लेकर किया। इन लम्हों को संजोना चाहिए। मुझे पता है कई बार वो सख्त नजर आते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुमसे बेस्ट चाहते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माता पिता कई बार हमें समझ नहीं पाते, लेकिन याद रखो, सिर्फ हमारा परिवार ही हमें बिना किसी शर्त के प्यार करता है। तुम भी उन्हें प्यार करो, उनका आदर करो, और जितना वक्त उनके साथ बिता सकते हो बिताओ। विराट अपने पिता से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब विराट डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे तब उनके पिता का निधन हो गया था और उनके पिता विराट को इंटरनेशनल मैच खेलते हुए नहीं देख सके। विराट आज अपने पिता को बहुत मिस करते हैं और विराट का ये दर्द उनके लेटर में भी नजर आता है। विराट लिखते हैं, पापा को कहो कि तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो। आज ही उन्हें ये बात बताओ, उन्हें कल भी बताओ, उन्हें अक्सर ये बात बताते और जताते रहो। अंत में सिर्फ अपने दिल की सुनो, अपने सपनों के पीछे भागो, दयालु बनो और बता दो कि बड़े सपने किस तरह बदलाव लाते हैं। जैसे हो वैसे रहो और उन पराठों को खाओ, आने वाले कुछ सालों में वो लग्जरी बन जाएंगे। हर दिन सुपर बनो। विराट, स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ नेशन। विराट कोहली का आज बर्थडे, हमारी तरफ से भी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और टीम इंडिया के जितने क्रिकेट खिलाड़ी हैं और जितने पूर्व क्रिकेटर्स हैं और दिग्गज खिलाड़ी, उन्होंने भी विराट कोहली को शुभकामनाएं भेजी हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी विराट कोहली को बर्थडे विश किया है। इसके अलावा युवराज सिंह ने वर्ल्ड कप की फोटो पोस्ट की है, और वीरेंद्र सहवाग की बात की जाए तो उन्होंने एक खास इमोशन जो है वो विराट कोहली का शेयर किया है सोशल मीडिया पर। किस तरीके से तमाम दिग्गज खिलाड़ियों ने विराट कोहली को शुभकामनाएं दी है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह विराट कोहली को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं, जो बता रहा है कि लोग विराट से कितना प्यार करते हैं। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भी विराट को बर्थडे विश किया है। सचिन ने विराट के साथ अपनी फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा है, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं विराट, ऐसे ही रन बरसाना जारी रखें और इसी जुनून के साथ भारत का नेतृत्व करें, शुभकामनाएं।
वहीं लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड ने भी विराट के सम्मान में एक वीडियो पोस्ट किया है और उनकी तारीफ में कसीदे पड़े हैं। वहीं कोच रवि शास्त्री ने विराट के साथ अपनी एक फोटो पोस्ट की है जिसमें दोनों हंसते हुए नजर आ रहे हैं। शास्त्री ने लिखा है, हैप्पी बर्थडे यंग मैन, ब्रेक का मजा लो, ये साल आपके लिए शानदार रहे। विराट को कुछ पूर्व क्रिकेटर्स ने अलग अंदाज में भी बधाई दी है। टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग ने विराट और सचिन के साथ एक फोटो शेयर की है जिसमें विराट हाथों से कुछ बता रहे हैं। सहवाग ने इस पिक पर लिखा है, उम्मीद करता हूं कि बॉल तुम्हें इतनी ही बड़ी दिखाई दे और तुम्हारी बैटिंग F5 बटन की तरह रहे जो हम सभी को रिफ्रेश करती रहे। बादलों की तरह छाए रहो, हमेशा खुश रहो। वहीं युवराज सिंह ने साल 2011 के वर्ल्ड कप की तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वो विराट से गले मिल रहे हैं। युवराज ने लिखा है, ये भी दिन थे और एक आज का दिन है, जहां भी हो खुश रहो, भगवान का आशीर्वाद बना रहे, हैप्पी बर्थडे। वहीं हरभजन ने लिखा है, हैप्पी बर्थडे मेरे छोटे वीर, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा टीम इंडिया के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने भी विराट को अपने ही अंदाज में शुभकामनाएं भेजी हैं। चहल ने एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें चहल विराट का इंटरव्यू ले रहे हैं। चहल ने लिखा है, हैप्पी बर्थडे कप्तान, शतक लगाते रहो और भारत के लिए मैच जीतते रहो और चहल टीवी पर आते रहो। वहीं VVS लक्ष्मण ने भी विराट के साथ तस्वीर शेयर की है जिसमें लक्ष्मण और विराट साइकिल के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लक्ष्मण ने शुभकामनाएं देते हुए लिखा है, जन्मदिन की बधाई, उम्मीद करता हूं कि ये साल आपके लिए खुशियां लेकर आए और चमकते रहो, आप नए रिकॉर्ड बनाओ और आपको प्यार मिलता रहे। वहीं मोहम्मद कैफ ने भी अपनी यादें ताजा करते हुए लिखा है, 2012 में जब मैं RCB का हिस्सा था तब मैंने कोहली के साथ लैपटॉप में रात के 2 बजे बार्सिलोना का मैच देखा था। तब मुझे लगा था कि इस खिलाड़ी में कुछ खास है, लेकिन तब मुझे अंदाजा नहीं था कि ये खिलाड़ी एक दिन महानायक बनेगा। विराट का होना भारत के लिए गर्व की बात है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। विराट कोहली आज क्रिकेट के बेताज बादशाह है। मौजूदा दौर में उनसे बड़ा कोई बल्लेबाज नहीं है और एक्सपर्ट्स उनकी लगातार तारीफ करते रहते हैं। यहां तक बात हो रही है कि उनका कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर के साथ होता है और बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट ये कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर के सारे रिकॉर्ड विराट कोहली तोड़ सकते हैं। 2008 में विराट कोहली ने डेब्यू किया था, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि विराट कोहली इतना आगे जाएंगे और इतने बड़े खिलाड़ी बन जाएंगे। एक नजर डालते हैं विराट कोहली के पूरे करियर पर, किस तरीके से 2008 में डेब्यू किया और 2019 तक आते आते क्रिकेट के महान खिलाड़ी बन गए विराट कोहली। वर्ल्ड क्रिकेट का सुपरस्टार खिलाड़ी, मौजूदा दौर का सबसे बड़ा बल्लेबाज, टीम इंडिया की रन मशीन, क्रिकेट का चेज मास्टर। कोहली के नाम 82 टेस्ट में 54.77 की औसत से 7,066 रन दर्ज हैं। इस दौरान कोहली ने 26 शतक और 22 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं 239 वनडे में कोहली ने 60.31 की औसत से 11,520 रन बनाए हैं, जिसमें 43 शतक और 54 अर्धशतक शामिल हैं। जबकि कोहली 72 T20 में 50 की औसत से 2,450 रन बना चुके हैं, जिसमें कोहली ने 22 अर्धशतक लगाए हैं। क्रिकेट में सबसे बड़ा बैट्समैन अगर इस कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में वो विराट कोहली है। खास बात यह है जिससे कि कंसिस्टेंसी लगातार खेल रहा है, सेंचुरियां बना रहे हैं और अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब वो क्रीज पे होता है तो दर्शक यही सोचते हैं कि हमारी उस जिस टीम की तरफ से खेले, IPL में खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी में खेलते हैं या देश की तरफ से खेलते हैं, कि वो टीम जीतेगी, वो जीतेगी या ना जीते, मगर दर्शकों का भरोसा उस पर इतना है। विराट का जन्म दिल्ली में हुआ था और बचपन में उनके इंटरेस्ट को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें क्रिकेट एकेडमी में भेजना शुरू कर दिया, जहां कोहली ने खेल की बारीकियां सीखी। देखिए अंडर-19 में जो उन्होंने किया, देखिए कैसा है कि वो कप्तान थे अंडर-19 में, वर्ल्ड कप, जूनियर वर्ल्ड कप जीता। अब अंडर-19 में और भी कप्तान रहे हैं, कई ऐसे हैं जो खेले, कई ऐसे अंडर-19 के प्लेयर जो भारत की टीम है, और कई ऐसे जो अंधकार में खो गए। डिपेंड करता है आपने अपनी शोहरत को कैसे संभाला। अंडर-19 में भी कई लोग बड़े अच्छे बैट्समैन थे, प्लेयर थे, जिनका नाम लेना अच्छा नहीं रहता, पर वो अपने आप को संभाल नहीं सके। विराट कोहली ने संभाला। और देखिए एक बात, तो उसके बाद आप देखिए अंडर-19 को तो इसलिए याद किया जाता है कि विराट कोहली के साथ है जुड़ा हुआ अंडर-19 वर्ल्ड कप। विराट की कप्तानी में टीम इंडिया टेस्ट की नंबर 1 टीम है। विराट की कप्तानी में भारत ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई थी। कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप 2019 की पॉइंट्स टेबल को भी टॉप किया था। इस खास पेशकश में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।